हम करने वाले हैं इन दोनों कैमरों की टेस्टिंग के कौन सा कैमरा आपको बेटर रिजल्ट देगा, कौन से कैमरे के अंदर फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ पे टोटल आपको नॉलेज हो जाएगी कि इस दोनों के अंदर कितनी क्वालिटी है और आपको कौन से कैमरे के ऊपर जाना चाहिए। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देखने के बाद में आप टोटल ही जान जाएंगे कि किस तरह की इनकी दोनों की क्वालिटी हमें मिलती है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। यहाँ पे HDC के अंदर जो स्टैंड है वो फिक्सेबल रहता है और यहाँ पे लोगो दिया हुआ है ब्रांडिंग HDS की, और यहाँ पे जो है H8 Pro के अंदर पीछे की तरफ में हमें स्टैंड लगाना पड़ता है और वो स्टैंड को हम लोग कहीं पर भी लगा सकते हैं, AI पावर के साथ में आ जाता है। उसके अलावा इसके अंदर जो फ्यूचर है वो इमेज सेंसर का है। इमेज सेंसर जो है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा 1/3 प्रोग्रेसिव इमेज सेंसर मिलती है, जो कि आप सोनी के काफ़ी ज़्यादा कैमरों के अंदर जो कि प्रोफेशनल्स कैमरे रहते हैं उनके अंदर जो है देख सकते हैं। तो सिंपल में आप इसकी क्लैरिटी देख रहे हैं कि किस तरह की इसकी क्वालिटी आ रही है और क्लैरिटी मिल रही है। ये जो है स्टैंड हम लोग इजीली इसके अंदर फिक्स कर सकते हैं और कहीं पर भी लगा सकते हैं। इसी तरह से H8 Pro दिया हुआ है, H8 Pro के अंदर भी सेम फ्यूचर हमें देखने के लिए मिलता है। और उसके अलावा इसकी जो है आप क्लैरिटी देख सकते हैं कि क्वालिटी और क्लैरिटी हमें किस तरह की मिलती है H8 Pro के अंदर। यहाँ पे पीछे की तरफ में H8 Pro के स्पीकर दिया हुआ है और माइक की टेस्टिंग हम लोग करने वाले हैं। जो है ऑडियो की क्वालिटी है, सुन रहे हैं कि आउटडोर में ऑडियो की क्वालिटी है 5 मीटर की दूरी के ऊपर किस तरह की आती है, तो मैं यहाँ से 10 मीटर की दूरी के ऊपर चला जाता हूँ। अब इसकी ऑडियो की क्वालिटी सुन सकते हैं कि किस तरह से इसकी ऑडियो की क्वालिटी। यहाँ पे स्पीकर जो है H8C के अंदर बैक साइड में वेंटिलेशन के लिए जगह दी हुई है। साउंड यहाँ पे स्पीकर यहाँ पे पीछे दिया हुआ है, यहाँ पे स्पीकर दिया हुआ है और हम लोग जो है इसकी ऑडियो की टेस्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पे 5 मीटर की दूरी के ऊपर मैं H8C की ऑडियो की क्वालिटी आपको सुना रहा हूँ कि ऑडियो की क्वालिटी आपको किस तरह की आ रही है। एक तरह से मैं यहाँ पे 5 मीटर की दूरी पर रुका हूँ और पीछे 10 मीटर की दूरी के ऊपर सेम पोजिशन में चला जाता हूँ। जैसे मैंने H8 Pro में किया था, तो यहाँ पर भी आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं कि 10 मीटर की दूरी के ऊपर आपको किस तरह की आवाज़। इन दोनों के अंदर कंपैरिजन मैं आपको दिखाने वाला हूं कि ऑडियो की क्वालिटी किस तरह की आती है इन दोनों के अंदर, तो आप यहां पे देख सकते हैं। आप जो है जो ऑडियो की क्वालिटी है सुन रहे हैं कि आउटडोर में ऑडियो की क्वालिटी है 5 मीटर की दूरी के ऊपर किस तरह की आती है, तो मैं यहां से 10 मीटर की दूरी के ऊपर चला जाता हूं। आप इसकी ऑडियो की क्वालिटी सुन सकते हैं कि यहाँ पे 5 मीटर की दूरी के ऊपर मैं H8C की ऑडियो की क्वालिटी आपको सुना रहा हूँ कि ऑडियो की क्वालिटी आपको किस तरह की आ रही है। एक तरह से मैं यहाँ पे 5 मीटर की दूरी पर रुका हूँ और पीछे 10 मीटर की दूरी के ऊपर सेम पोजीशन में चला जाता हूँ, जैसे मैंने H8 Pro में किया था। ये जो है आउटपुट स्पीकर जो है H8C की काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है H8 Pro के मुकाबले में। तो वहाँ पे आपका क्या राय है मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। यहाँ पे जो है H8 Pro के अंदर जो है लैंड कनेक्शन और 12 वोल्ट का पावर सप्लाई सेम मिलता है H8C के मुकाबले में, आप दोनों का यहाँ पे देख सकते हैं। लेंथ भी वायर की उतनी ही दी हुई है जितनी कि H8 Pro और H8C के अंदर। H8 Pro के अंदर जो लाइट्स दी हुई हैं ऊपर की तरफ में हमें काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लाइट्स मिलती हैं, नीचे की तरफ में IR के लाइट्स मिल जाते हैं। H8 Pro के अंदर उल्टा है, नीचे की तरफ में लाइट्स दी हुई हैं और ऊपर की तरफ में IR की लाइट्स दी हुई हैं। यहाँ पे दोनों का आप कंपैरिजन देख सकते हैं कि दोनों के अंदर कौन सी लाइट कहाँ पर मिलती है। H8 Pro के अंदर हमें जो है नीचे की तरफ में SD कार्ड इंस्टॉलेशन के लिए यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है और रीसेट बटन, उसी तरह से जो है H8C के अंदर दिया हुआ है, उसी तरह से हम लोग H8C के अंदर भी देख सकते हैं और लगा भी सकते हैं।
दोनों में आप सेम एसडी कार्ड भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको रिमूव करिए और एसडी कार्ड यहाँ पे इंस्टॉल करिए। हेडसेट प्रो के अंदर आप देख सकते हैं कि लेंस कितनी बाहर निकली हुई है और कितनी अंदर है। और यहाँ पे एच एड सी का जो स्टैंड है, हम लोग उसको रिमूव भी कर सकते हैं इजीली, जब इंस्टॉलेशन किया हुआ है उसको निकाल भी सकते हैं। जो स्कैनर दिया हुआ है ऊपर की तरफ में दोनों कैमरों में मिल जाता है, तो जब हम लोग उसको स्कैन करते हैं इस वीज़ ऐप में डायरेक्टली, हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं। ऊपर की तरफ में एच एड सी और नीचे की तरफ में एच एड प्रो का यहाँ पे मैं आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ कि किस तरह की आपको इसमें इमेज क्वालिटी मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों का मैं टेस्टिंग बखूबी कर रहा हूँ। यहाँ पे जो है इमेज थोड़ी सी डार्क इमेज मिलती है एच एड प्रो में, और एच एड सी में लाइट इमेज मिलती है। एच एड सी की यहाँ पे मैं दूर चला जाता हूँ और यहाँ पे टेस्टिंग करता हूँ कि कितनी दूरी के ऊपर ये कैमरा मूव होते हैं और कितने यहाँ पे सेंसर इसके काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं एच एड सी के अंदर काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हो रही है, काफ़ी ज़्यादा कैमरा मूव हो रहा है तुरंत ही, और नीचे एच एड प्रो के अंदर नहीं हो रहा। मैंने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ट्राई किया एच एड सी के अंदर के मूवमेंट हो, तो वहाँ पे मूवमेंट नहीं हुई। लगभग जो है 100 में से 2% आप बोल सकते हैं कि एच एड प्रो ने मूवमेंट की। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजल्ट एच एड सी का, किस तरह से ये कैमरा मूव कर रहा है, कितनी दूरी के ऊपर 100 फीट के आसपास ये कैमरा मूवमेंट कर रहा है। यहाँ पे जो है मैं इसकी फोटो निकाल लेता हूँ और आपको दोनों कैमरों का कंपैरिजन करके दिखाता हूँ कि कौन सी क्वालिटी आपको कैसी मिलती है 100 फीट पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह की आपको क्वालिटी मिल रही है। यहाँ पे नाइट विजन की क्वालिटी मैं एच एड सी के अंदर दिखा रहा हूँ कि एच एड सी के अंदर नाइट विजन की क्वालिटी किस तरह की मिलती है आपको। 10 मीटर की दूरी के ऊपर, और लगभग मैं इसके पीछे चला जाता हूँ 15 मीटर की दूरी के ऊपर आप देख सकते हैं, और मैं यहाँ पे जो है लगभग 25 से 30 मीटर की दूरी के ऊपर जाकर रुका हूँ। तो ये इसी तरह से एच एड प्रो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं 5 मीटर की दूरी के ऊपर, और यहाँ पे पीछे मैं चला जाता हूँ 10 मीटर की दूरी के ऊपर, इससे मैं पीछे और चला जाता हूँ। सेम प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। तो आप दोनों का रिजल्ट इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे मैं और थोड़ा पीछे चला जाता हूँ के आपको किस तरह की रिजल्ट मिलती है। इसी तरह से यहाँ पे कलर नाइट विजन दिया है, नाइट विजन कलर में किस तरह की इसकी इमेज मिलती है एच एड सी के अंदर आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं पीछे चला जाता हूँ 5-10 मीटर की दूरी के ऊपर आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं जो है उसी तरह से यहाँ पे जो है एच एड प्रो के अंदर आप देख सकते हैं कि नाइट विजन 5 मीटर की दूरी के ऊपर किस तरह से काम करती है और 10 मीटर की दूरी के ऊपर किस तरह से काम करती है। इसी तरह से पीछे मैं और चला जाता हूँ, आप दोनों का भी मैं आपको यहाँ पे कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ कि किसमें आपको किस तरह की क्वालिटी मिल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग मैंने जो पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है, क्लैरिटी, ऑडियो और वहाँ पे सेंस कितनी कर सकता है कैमरा, क्वालिटी कितनी दे सकता है, यहाँ पे मैंने आपको दोनों कैमरों के ऊपर कंपैरिजन करके दिखा दिया है कि आपको दोनों कैमरे के अंदर कितनी अच्छी क्वालिटी मिलने वाली है, क्लैरिटी मिलने वाली है। उसी तरह से मैंने दोनों की लिंक जो है अमेज़ॉन की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाकर आप डायरेक्टली कैमरों को बाय कर सकते हैं। जो कि आपको कौन सा कैमरा पसंद आया है उसको आप डायरेक्टली बाय करिए, तो तुरंत ही आपको कैमरा मिल जाएगा। काफ़ी सारे लेटेस्ट वीडियोस मेरे फ्यूचर्स में आने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है आपको नॉलेज होने वाली है सीसीटीवी के रिगार्डिंग। कभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ मिलते रहेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।